Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. A boy running at an average speed of 4 kilometer per hour reaches school from his home in 2 hours. The distance of the school from his home is option A two kilometer, option B six kilometer, option C eight kilometer, option D four kilometer. एक लड़का है जो भाग कर जाता है एवरेज स्पीड है उसकी फोर किलोमीटर पर आवर और वो अपने स्कूल में जाता है अपने घर से उसे समय लगता है दो घंटे का किलोमीटर पर आवर ये आपकी स्पीड है एंड टाइम देखें यहाँ पे आपको उसे कितना लगता है टाइम इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है टू हावर एंड यहाँ पे आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है अब आपका फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ये आपका फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम अब यहाँ पे देखिए आपको स्पीड गिवन है फोर एंड डिस्टेंस यहाँ पे आप डी मान लेते हैं एंड यहाँ पे देखिए आपका डिस्टेंस छोड़ो डिस्टेंस ही लिख देते हैं हम यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम है यहाँ पे टू आवर तो यहाँ से देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू फोर इंटू टू जो कि आपकी कितनी आ जाएगी एट किलोमीटर सो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा हैंस डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम फ्रोम हीज होम इज एट किलोमीटर एंड इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आई होप यू अंडर इस टूड द एक्सप्लेनेशन थैंक यू